WPL के पहले सीजन के एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस की टीम यूपी वॉरियर्स को 72 रनों से हराकर फाइनल में पहुंच गई। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की जीत में अहम योगदान निभाया इंग्लैंड की मीडियम पेस बॉलर एससी वॉन ने। उन्होंने इस लीग के इतिहास की पहली हैट्रिक लेकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। अब कितने भी सीजन आने वाले सालों में हो जाए और आगे कितनी भी हैट्रिक ले ली जाए, लेकिन एससी वॉन का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह हमें आज भी याद है कि आईपीएल के इतिहास में किसने पहली बार ऐसा किया था, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में ये रिकॉर्ड अब मुंबई इंडियंस की एससी वॉन के नाम दर्ज हो गया है। वहीं अगर पुरुष लीग की बात करें, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, उसमें ये रिकॉर्ड भारत के एक पूर्व गेंदबाज के नाम दर्ज है। खास बात यह है कि उन्होंने भी पहले ही सीजन यानी 2008 में ही यह कारनामा कर दिखाया था। उसके बाद से अब तक आईपीएल में कुल 21 हैट्रिक लग चुकी है। हाल ही में आईपीएल 2022 में युजवेंद्र चहल ने ही कारनामा कर दिखाया था। आईपीएल के इतिहास में पहली हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय पेसर लक्ष्मीपति बालाजी के नाम दर्ज है। ये हैट्रिक उन्होंने 2008 के पहले सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ ली थी। वो उस समय चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। वो मुकाबला चेन्नई में खेला गया था और उन्होंने इरफान पठान, पीयूष चावला, वीआरवी सिंह को आउट कर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। उसके बाद 20 हैट्रिक लग चुकी है, लेकिन उनका नाम 15 साल के बाद आज भी हर किसी को याद है। ऐसा ही कारनामा WPL में एससी वॉन ने कर दिखाया है। इंग्लिश पेसर एससी वॉन ने एलिमिनेटर मुकाबले में 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट, छक्के और मुंबई की जीत में शानदार भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे पहले यूपी की कप्तान और ओपनर एलिसा हीली को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। उसके बाद 13वें ओवर में एससी ने पहले सेट बैटर किरण नावगिरे, फिर सिमर शेख और सोफी एक्लिस्टोन को पहली गेंद पर चलता करते हुए ऐतिहासिक हैट्रिक ली। उनकी इस चमत्कारी गेंदबाजी के कारण यूपी की टीम 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 110 रनों पर सिमट गई। मुंबई इंडियंस की टीम इसी के साथ फाइनल में पहुंची, जहां रविवार 26 मार्च को उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा।